Hello friends, welcome to Pro Talent, and this is Nitin Verma bringing to you July Extra Mile Module number 3. हमने बात करी थी, ये टोटल आपके पास चार मॉड्यूल्स हैं. एक मॉड्यूल ऑलरेडी आ चुका है, सेकेंड मॉड्यूल इज ऑलरेडी डन, दिस इज थर्ड मॉड्यूल एंड दिस अ फोर्थ मॉड्यूल इज गोइंग टू कम. इन थर्ड मॉड्यूल वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट मॉडल विलेज बिल्ट इन श्रीलंका. नाटो का स्टेटस मिला इंडिया को, नेटो एलआई का, ठीक है. एंड देन फर्स्ट सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप विजिटेड नॉर्थ कोरिया, पहली बार को ऐसा एंटर हुआ है, ठीक है. देयर आर सैंक्शंस अगेंस्ट म्यांमार मिलिट्री चीफ, उसके बारे में हम बात करेंगे. देयर इज अ स्पेशल बुक इजरायली MRSAM सिस्टम फॉर इंडियन नेवी. बोइंग का अपाचे हेलीकॉप्टर AH-64A has arrived and India is going to get R-27 missile from Russia. फटाफट देखते हैं इसके बारे में, पर उसमें एक पॉइंट मिसिंग है, which is ban on colistin. Colistin, ठीक है, this is colistin, costalin गलत लिखा है, it has to be colistin, ठीक है. क्या वर्ड है? Colistin. Colistin एक ड्रग है, ठीक है, colistin एक ड्रग है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन करना बैन कर दिया है. प्राइमरली उसको यूज किया जाता था फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, पोल्ट्री और एक्वा फार्मिंग में एज अ फीड सप्लीमेंट देते थे, जिसकी वजह से होता यह था दैट एनिमल्स कुड बिकम लिटिल बिगर, ओके. सो देयर बाय इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, जल्दी ग्रोथ होता था. बट कोलिस्टीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक, ठीक है, और वो एक तरीके का इतना इम्पॉर्टेंट ड्रग है कि जहाँ पे वो आखिरी है ना, इट्स अ लास्ट रिसोर्ट फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन. अगर किसी बंदे को मल्टी ड्रग अगेंस्ट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हुआ है, तो ये लास्ट रिसोर्ट है. पर होता ये था, कोलिस्टीन एनिमल्स में यूज होते होते जो कोलिस्टीन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और वायरस क्रिएट हो जाते थे, दैट इज क्रिएटिंग ट्रबल. और उसको रोकने के लिए है ना, उसको रोकने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर बैन लगा दी है, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेसिवली यूज होता था, ठीक है, एंड इट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ ट्रबल. उसका एक छोटा सा बैकग्राउंड देखें, WHO ने कोलिस्टीन को एक रिजर्व करके मार्क करके रखा था, दैट मीन्स इट इज टू बी यूज एज अ लास्ट रिसोर्ट व्हेन ऑल एंटीबायोटिक्स हैव फेल्ड. सब जगह अगर फेल हो गया तो. अब ये कोलिस्टीन सबसे ज्यादा इंडिया में आता था चाइना से, ठीक है. चाइना ने इसको बहुत सस्ते दाम पे इसे बेचना चालू करा था, फूड सप्लीमेंट में डालना चालू करा था. मैनी कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ठीक है, एंड सम ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, दे प्रोहिबिट सच काइंड ऑफ एंटीबायोटिक यूसेज. और इसलिए हमें यह क्लियर कट बोलना पड़ा, कोलिस्टीन हैज टू बी बैन. चाइना की तरफ से काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए हमको उसको रोकना पड़ा. आगे बढ़ते हैं, देन वी टॉक अबाउट जापान रिज्यूमिंग कॉमर्शियल वेलिंग, ठीक है. जापान ने अपने आप को इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से विड्रॉ कर दिया था दिसंबर 2018 में, ओके, एंड देन दे हैव ऑफिशियली रिज्यूम्ड दिस कॉमर्शियल वेलिंग फ्रॉम जुलाई 1, ओके, आफ्टर मोर देन 30 ईयर्स फॉर लिमिटिंग वेल हंट्स, ठीक है. उन्होंने सिर्फ साइंटिफिक पर्पज के लिए वेलिंग हंट करते थे, अब उसको उन्होंने बैन कर दिया था 30 इयर्स तक, अब उन्होंने वापस चालू किया, बिकॉज दे फेल्ट दैट इट इज रियली अ नीड ऑफ द आवर फॉर देम. दे हैव अ गुड यू कैन से रिक्वायरमेंट फॉर वेल्स इन टर्म्स ऑफ यू कैन से देयर फूड एंड डायटरी नीड्स, ठीक है. जापान वॉज इन्फ्यूरिएटेड इन सेप्टेम्बर 2018 व्हेन एंटी वेलिंग नेशंस including Australia and USA along with EU rejected its proposal for the reform of IWC. जो IWC ने उसको reject मार दिया उस reform को, और उसकी वजह से वो गुस्सा हो गए. Japan has now joined Iceland and Norway, ठीक है, as the only few countries allows commercial whaling. So this is very important part, ध्यान से समझिएगा इसको, Japan resuming commercial whaling. आगे देखते हैं, first model village built in Sri Lanka. पहला मॉडल विलेज विद द असिस्टेंट ऑफ इंडिया वॉज इनोग्रेटेड इन श्रीलंका, ठीक है. किन के लिए बनाया गया है?
war affected people and their state workers. India is partnered with Ministry of Housing and Construction and Cultural Affairs of Sri Lanka to build 100 model villages, okay, consisting of some around 2400 houses with a grant of $17.5 million. So India ki taraf se ye kafi bada yogdan Sri Lanka ko mil raha hai. Usme se pehla model village chalu ho chuka hai. NATO ally like status is provided to India. Now what is NATO? This is North Atlantic Treaty Organization. ठीक है, इंडिया अगर इसका पार्ट बनेगा तो इंडिया को काफी इजी वे में डिफेंस के लिए सपोर्ट मिलता रहेगा. ठीक है, सो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है वो पहले नेटो के मेंबर नहीं थे इसलिए नहीं मिल पाएगा. हालांकि अभी भी नेटो के मेंबर नहीं है पर इंडिया इज नाउ पुट एज एट पार विथ यू कैन से कंट्रीज लाइक इजराइल एंड साउथ कोरिया जो नेटो के मेंबर नहीं है पर फिर भी इनको नेटो लाइक स्टेटस दिया गया है. ठीक है, क्या क्या अदर एग्रीमेंट हुए जो डिफेंस कॉपरेशन के लिए. यूएसए ने इंडिया को 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया था. ठीक है, देन लेवमा हुआ था 2016 में, दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक एक्सचेंज है ना, मेमोरेंडम एग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड लेमा. ठीक है, यूएस इंडिया साइन यू कैन से दिस कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड कॉमकासा. ठीक है, 2018 में किया था. जुलाई 2018 में यूएसए ने इंडिया को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन वन कंट्री का स्टेटस भी दे दिया था और हमने सितंबर 2018 में 2+ डायलॉग चालू किए थे बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. सो इन सब मामलों में इंडिया का अमेरिका के साथ डिफेंस कॉपरेशन काफी अच्छा है. दिस इज गुड फॉर इंडिया. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट टाइम सम सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट है ना एंटर्ड नॉर्थ कोरिया. पहली बार ठीक है कोई सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट हैज सेट अ फुट इनटू नॉर्थ कोरिया. ही मेट किम जोंग अन, ठीक है, वहां पे जो उनके प्रेसिडेंट है, इन अ डीमिलिटराइज जोन बिटवीन दिस टू कोरियाज है ना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में एक डीमिलिटराइज जोन है. ठीक है, वहां पे मिले. ये उनकी तीसरी मीटिंग थी. ठीक है, ट्रंप अराइव्ड इन साउथ कोरिया आफ्टर अटेंडिंग G20 समिट इन जापान. ठीक है, एंड ड्यूरिंग हिज विजिट ही वांटेड टू गो टू दिस अगेन नॉर्थ कोरिया. तो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन से बात करके ही वेंट देयर. ठीक है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल इनकी तीन मीटिंग हुई. पहली समिट हुई थी उनकी सिंगापुर में 12 जून 2018, सेकेंड समिट टू प्लेस इन वियतनाम हानोई 2019 में. ठीक है, और बाद में ये थर्ड समिट हुई विच इज एट अगेन से देयर इन नॉर्थ कोरिया इटसेल्फ. नॉर्थ कोरिया हैज परस्यूड न्यूक्लियर एंड वेरियस अदर मिसाइल प्रोग्राम जो यूएन को नहीं पसंद है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहां पे एक तरीके से अमेरिका भी वहां पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है. ठीक है, और दोनों लीडर्स ने, ये जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के जो लीडर्स जो एक बार मिले थे 27 अप्रैल को, उन्होंने पान मुंजोम डिक्लेरेशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी साइन किया था. ठीक है, और उसके बाद अभी ये जो मजेदार सी सिनेरियो क्रिएट हुआ वो अच्छा हुआ. हालांकि आपको ये याद रहे 20th सेंचुरी में देर वॉज अ कोरियन वॉर टू प्लेस दैट इज इन 1945. कोरियन पेनिनसुला वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट अलॉन्ग 38th पैरेलल. ठीक है, सो दोनों के बीच में 38th पैरेलल है. 1950 में नॉर्थ कोरिया इन्वेडेड साउथ कोरिया एंड देयर बाय 3 ईयर कोरियन वॉर चालू हुई. और इस कोरिया की वॉर में अमेरिका ने साउथ कोरिया के द्वारा मदद करी. ठीक है, एंड फाइनली इन जुलाई 1953 कोरियन वॉर came to an end. Obviously, this is not an end because it was an armistice agreement. What is armistice agreement? दोनों ने बोला हम हथियार रख रहे, सीज फायर नहीं है. ठीक है, this is armistice. और उन्होंने 4 किलोमीटर बड़ा एरिया क्रिएट कर लिया 250 किलोमीटर का, जिसको बोला जाता है डीमिलिटराइज जोन. वहां पर कोई मिलिट्री नहीं होगी, ऐसा उन्होंने एक बॉर्डर बना दिया है. This is how the Korean War was in the news. आगे बढ़ते हैं. There were sanctions अगेंस्ट म्यांमार मिलिट्री चीफ. यूएसए ने उनके ऊपर सेंक्शन लगा दिए एंड 3 अदर टॉप ऑफिसर्स. ठीक है, एंड देव बीन बार्ड फ्रॉम एंटरिंग इन टू अमेरिका. ठीक है, प्राइमरली ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एंड किलिंग ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स उसके खिलाफ ये हुआ. यूएसए इज द फर्स्ट गवर्नमेंट टू पब्लिकली टेक एक्शन अगेंस्ट दिस बर्मा मिलिटरी ग्रुप. ठीक है, आई एम श्योर यू नो रोहिंग्या मुस्लिम्स. रोहिंग्या मुस्लिम्स आर द पीपल हु आर लिविंग इन म्यांमार इन अ रेखाइन रीजन. ठीक है,
म्यांमार के लोग मानते हैं दैट दिस मुस्लिम्स रोहिंग्या आर नॉट पार्ट ऑफ म्यांमार, दे हैव अ रूट फ्रॉम यू कैन से बांग्लादेश, ठीक है, और हम इनको मानते नहीं हैं. 35 सालों से प्रैक्टिकली दे आर स्टेटलेस, क्योंकि म्यांमार उनको वहाँ का सिटीजन मानता नहीं है, ठीक है, एंड दे डिमांड दैट वी नीड सिटीजनशिप इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. भारत में भी रोहिंग्याज आ जाते हैं, ठीक है, सो रोहिंग्याज हैव एंटर्ड इनटू इंडिया थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, JNK, आंध्र प्रदेश, केरला, सो सम अराउंड 40,000 रोहिंग्याज, ठीक है, दे आर लिविंग इलीगली इन इंडिया, ठीक है. नाउ इंडिया वुड लाइक टू डिपोर्ट दिस रोहिंग्यास, ठीक है, ऑब्वियसली वो डिपोर्ट करना चाहेगा, ठीक है, क्यों डिपोर्ट करना चाहेगा, क्योंकि वो इलीगली आ जाते हैं, ठीक है. ध्यान रहे, मोस्ट ऑफ दी रोहिंग्या मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया आर रजिस्टर्ड विद द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज, ठीक है, बट गवर्नमेंट इज स्टेटेड कि वो उनको डिपोर्ट इसलिए करना चाहते हैं दैट इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ UN और 1967 प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू रेफ्यूजी स्टेटस, सो इंडिया तो उसको मानता ही नहीं है. उसके अलावा रोहिंग्यास वर इन्वॉल्व इन बोध गया टेररिस्ट अटैक, सो इंडिया वॉन्ट्स कि ये निकले, और साथ साथ में रोहिंग्या मुस्लिम्स आर इन जम्मू एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज, ओके. सो भारत को, भारत में इनको निकालना है, पर बर्मा में रोहिंग्या के खिलाफ म्यांमार ने काफी बड़ी परेशानी करी, इसलिए उनके मिलिट्री चीफ के ऊपर अमेरिका ने सेंक्शन लगा दिया. आगे देखते हैं, देयर इज अ स्पेशल बुक ऑन फायर एंड फ्यूरी कॉप्स रिलीज, ठीक है, दिस इज अ शोकेसिंग हिस्ट्री एंड अचीवमेंट ऑफ फायर एंड फ्यूरी कॉप. द नेम ऑफ द बुक इज फायर एंड फ्यूरी कॉप सागा ऑफ वेलोर फोर्टिट्यूड, ठीक है, फायर एंड फ्यूरी कॉप ऑफ इंडियन आर्मी गार्ड्स LOC एज वेल एज LAC. You know LOC? It is between India and POK. What is LAC? It is between India and Aksai Chin. Okay? Yaad rakhega ye. Aage badhte hai. Israeli MRSAM, that is Medium Range Surface to Air Missile System, $50 million ki ye Israeli Aerospace Industries ki system hai. This is Naval MRSAM hai, jo humne li hai. This is Indian Navy ne ye purchase kari hai. This is a very important thing. और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए that Boeing AH-64E Apache helicopter, this is coming from Boeing, which is USA. और ये इंडिया के पास करीबन हमने 22 चॉपर ऑर्डर करे थे, ठीक है, उसमें से पहले 4 इंडिया में आ चुके हैं, एयरफोर्स हिंडन एयरबेस में इनको भेजे गए हैं. एंड India is going to get R-27 missile from Russia, ठीक है, which will be equipped on Sukhoi 30 MKI fighter jet, ठीक है, Sukhoi में ये डाला जाएगा. So पुलवामा attack के बाद central government had given emergency power to all 3 services और उनको choice दी थी कि आपको जो power लेना आप लीजिए, और ये power में R-27 हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, air to air missile system from Russia. अमेरिका को बहुत गुस्सा आया, पर क्या करें, हमारी ज़रूरत थी और इसकी वजह से हमने इसको लिया. चलिए, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल नंबर 3. डू नॉट मिस आउट टू टेक आर मॉड्यूल नंबर 4 विद क्वेश्चन आंसर्स. एक्स्ट्रा माइल में जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी क्रूशियल, बिकॉज वहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन हम आपके लिए बनाते हैं और अच्छी तरीके से आपको उसको जानकारी मिलेगी. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम.